जी बतलाया जाए कि इस किताब के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रस्तुत किताब आत्मविश्लेषण के विविध आयाम का आज विमोचन द गाइडलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन में किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आपके समक्ष मंडू जी और गुड्डू सर उपस्थित हैं। मैंने इस पुस्तक के माध्यम से युवा पीढ़ी को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए किन किन मूलभूत बिंदुओं पर प्रकाश डालें और उसका अनुसरण करें और उसे जीवन में उतारें ताकि हमारे जीवन में बदलाव आए, क्योंकि बिना अध्ययन किए किसी के जीवन में बदलाव आता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो इन सारी विषयों को मैंने अपने पुस्तक में कई बिंदुओं के माध्यम से उल्लेख किया है। आप अपना संक्षिप्त परिचय देंगे और इस किताब को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, इस पर प्रकाश डालेंगे। मेरा संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से हुआ कि मैं सतीश पंडित अगौथर सुंदर ईसुआपुर प्रखंड का निवासी हूँ, छपरे जिले से हूँ और वर्तमान समय में मैं राज्य सरकार की संस्था में अध्यापनरत हूँ। पिछले मैं 22 सालों से अध्यापनरत हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ कि छात्रों में, मैंने इधर लिखा भी है, आप इधर देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि विद्यार्थी जीवन में भविष्य के प्रति बेहतर समझ उपलब्ध कराना मेरा उद्देश्य है। तो इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मेरे मन में तब आई जब मैं किसी एक वर्ल्ड लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था। उन्होंने बताया कि जीवन में बदलाव दो तरीके से आती है, या तो प्रेम से आती है या फिर ठोकर लगने से आती है। तो ठोकर लगने से जो बदलाव आता है वह अंदर से संस्कार करता है और प्रेम से जो संस्कार होता है वह हमारे चतुर्दिक करता है। तो ये प्रेरणा मुझे मिली और मैंने इस पुस्तक को आयाम दिया।